जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों, जब भी मेरे पास कोई नई ओटीटी अपडेट निकल के आती है, मैं फटाफट से आपको वीडियो बनाकर दे देता हूं। और कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे मैं तो सेंटा हूं, जैसे क्रिसमस के गिफ्ट लाते हैं, वैसे ओटीटी की अपडेट्स आपके लिए लेकर आता हूं। और ऐसी जबरदस्त एक अपडेट अब आ चुकी है जो लोग इंतजार कर रहे हैं, टाइगर 3 मूवी के ओटीटी रिलीज का। हालांकि मूवी अभी अभी सिनेमाज में रिलीज हुई है, लेकिन अभी से इससे रिलेटेड नई अपडेट निकल के आ चुकी है। और खासकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जरा हटके जरा बचके इस मूवी के ओटीटी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए भी एक जबरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा सुन लेना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स भाई जो मैं आपको लाके देता हूं एकदम जल्दी से, वो कोई भी चैनल लाकर नहीं देता। उसके बाद कॉपी जरूर हो जाती है हमारे वीडियो की, वो अलग बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइगर 3 मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ, क्योंकि इससे रिलेटेड एक नई अपडेट निकल कर आ चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस मूवी का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो है Amazon Prime। और अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है, तो अगर आप सिनेमा में मूवी देखेंगे और जब इसका पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा जिसमें आपको ऋतिक रोशन भी दिखते हैं, वहां पर दोस्तों उसके बिल्कुल बाद में लिखा हुआ आता है स्ट्रीमिंग पार्टनर Amazon Prime। तो ये तो कंफर्म हो गया कि स्ट्रीमिंग पार्टनर Amazon Prime है, लेकिन किस डेट को इसे रिलीज किया जाएगा, तो दोस्तों मीडिया हाउसेस की तरफ से कंफर्मेशन आ रही है कि 24 दिसंबर को ये मूवी Amazon Prime पर रेंटल बेसिस पे रिलीज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 24 दिसंबर को मूवी को Amazon Prime पे रेंटल पे रिलीज कर दिया जाएगा। पर आप थोड़ी ना कभी रेंट देते हो आज तक, जी हाँ, जो आज दोगे आप कहीं से जुगाड़ बना के देख ही लोगे, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि 24 दिसंबर के लिए आपके लिए मूवी HD में OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएगी। और उसके 2 हफ्ते बाद यानी कि 12 जनवरी 2024 के आसपास इसको जो है फ्री कर दिया जाएगा Amazon Prime यूजर्स के लिए। तो अगर आपको टाइगर 3 का इंतजार है, तो दोस्तों अगले महीने की 24 दिसंबर को आपको ये रेंटल पे देखने को मिलने वाली है Amazon Prime के प्लेटफॉर्म पे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा हटके जरा बचके मूवी की, क्योंकि इसका इंतजार आप में से काफी सारे लोग कर रहे थे। और मेरे पास एक नई अपडेट आ चुकी है कि मूवी को रिलीज किया जा रहा है दोस्तों जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जियो सिनेमा शायद इसके राइट्स को सेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो काम नहीं हो पाया। और जियो सिनेमा ने फैसला किया है अपने ही ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे इसे रिलीज करने का। और जो इसकी रिलीज डेट निकल के आ रही है मेरे पास, वो है 2 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर को जरा हटके जरा बचके मूवी जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो जाएगी, ऐसी अपडेट निकलकर आ चुकी है। तो दोस्तों आपको मैंने टाइगर 3 की अपडेट भी दे दी, और मैंने आपको अपडेट दे दी है यहां पर जरा हटके जरा बचके की। इसके अलावा आज सुबह मैंने आपको एक वीडियो निकाल के दिया था जिसमें इस हफ्ते की सारी रिलीजेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। वहां मुझसे एक मूवी मिस हो गई जिसका नाम है दोस्तों द ग्रेट इंडियन फैमिली, जिसकी लीड में विकी कौशल, और ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी को दोस्तों 17 नवंबर यानी इसी हफ्ते रिलीज किया जा रहा है Amazon Prime वीडियो के प्लेटफॉर्म पे। और जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या ये रेंटल पे रिलीज होगी, तो नहीं दोस्तों, ये रेंटल पे रिलीज नहीं होगी, इसे सभी यूजर्स के लिए एक साथ फ्री में ही रिलीज किया जाएगा। तो 3 ओटीटी अपडेट्स के साथ मैंने आपको एक नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां से मुझसे बात भी कर सकते हो, और टेलीग्राम तो है ही जहां पे मैं आपकी हेल्प हमेशा करता रहता हूं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।